फेविकॉल कैसे लगा रहे हैं लेमिनेट में। आप अगर इस तरह से लगाएंगे तो कभी आपका सनमाइके में, दरवाजे में या सनमाइका कभी फुगा होगा ही नहीं। आप लोग बहुत, हमारे मिस्त्री भाई लोग, कारपेंटर भाई लोग बोलते हैं ना कि ये सनमाइके में फुगा हो गया, बबल्स हो रहे हैं, चिपक नहीं रहा है। तो आप इस वीडियो को देखिए और इस हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो हमें उम्मीद है आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अब फेविकॉल एकदम परफेक्ट लगाना है और फेविकॉल दोनों में लगाना है, दरवाजे में भी और इसमें सनमाइके में भी, लेमिनेट में भी, आपको डोर में भी। देखिए ये कोरा दरवाज़ा है, हमने सनमाइके में फेविकॉल लगा के रख दिया है। अब आप इसमें देखिए डोर में भी आपको फेविकॉल लगाना है। अगर आप दोनों में फेविकॉल मारते हैं तो फुगा होने का बहुत, मानो कि बहुत कम, 99% चांस नहीं रहता है, आपका कभी फुगा ही नहीं होगा, बबल्स नहीं होंगे, हमारा काम बढ़िया होगा, एकदम बढ़िया से प्रेस होगा। अब देखिए, और आप इस पे तो, ये दरवाजे में है भाई, ये धार पे तो आप बढ़िया से फेविकॉल लगाओ, बीच में तो थोड़ा बहुत आप अगर चलो हल्का फेविकॉल लगाते हैं तो सही है, कोई बात नहीं। लेकिन आप जो ये दरवाजे का किनारी का धार है, ये आप धार पे एकदम बढ़िया से फेविकॉल लगाओ एकदम, ताकि आपका कभी दरवाज़ा आपको कोई बोले नहीं कि नहीं इधर फुगा हो गया। भाई देखिए हमारे भाई और दोस्तों, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए यार भाई, हमारे को पूरा का पूरा आइडिया आ जाएगा, आपके समझ में आ जाएगा। देखिए वो छूटा हुआ है, अभी फेविकॉल लगाया नहीं है वो भाई ने, अभी देखो लगा रहे हैं फेविकॉल, वहाँ पे भी लगाएंगे। देखिए लगा रहे हैं, और अगर आप कभी भी लगाओ फेविकॉल तो ये स्केपर के साथ ही लगाओ, आप कुछ अलग चीज़ से मत लगाओ फेविकॉल, एकदम स्केपर से लगाएंगे तो एकदम लेवल लगता है। देखिए अब हमारा लेमिनेट हमने लगा दिया है, चिपका दिया है, अब दूसरे बाजू हमको लेमिनेट लगाना है, इसको घसाई वसाई करके, इसको पलटी करके उस तरफ हम लेमिनेट लगाएंगे। देखिए ऐसे आपको घसाई करना है, बढ़िया से अच्छे से घसाई करना है, तो क्या है कभी फुगा नहीं होगा, एकदम बढ़िया तरीके से प्रेस होगा, एकदम अच्छे से प्रेस होता है सनमाइका। देखिए भाई कितना मेहनत कर रहे हैं, घसाई कर रहे हैं लेमिनेट को, सनमाइका को घस रहे हैं। आप भी ऐसे ही घसना ताकि फुगा ना हो, आपको टेंशन ना हो। देखिए टेप लगाना है, दो साइड आप लगा सकते हैं, एक साइड लगा सकते हैं, तीन साइड, अगर आप चारों साइड पे लगाओ एक एक दो दो टेप तो सबसे बढ़िया। आपको फिर दोबारा रख दिया एक बार तो आपको सेटिंग नहीं करना रहेगा। देखो चारों तरफ देखिए ये आ गया हमारा दूसरे बाजू का लेमिनेट। आप साफ सफाई करके बढ़िया से, अंदर कोई भी कंकड़ या कोई भी धूल मट्टी सनमाइके में लगा रहता है वो नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया से साफ करके आप फेविकॉल गिराएं। देखो गिरा दिया ये भाई ने फेविकॉल, देखिए लगा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए और कमेंट में आप हमको बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए ये भाई रेजर, हमारे इधर स्केपर बोलते हैं, आपके उधर मालूम नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन रेजर भी हम बोलते हैं, स्केपर भी बोलते हैं। तो अगर आप इससे फेविकॉल लगाते हैं तो एकदम लेवल, एकदम बढ़िया से आपका फेविकॉल लग जाएगा। तो दोस्तों ये फेविकॉल बराबर लगने से क्या होता है, आपको प्रेसिंग के समय ज़्यादा घसाई नहीं करना पड़ता है। आपने देखा है वीडियो में आगे कि हमने बहुत ज़्यादा घसाई भी नहीं किया है,
और आपको एकदम कंप्लीट करके पूरा आपको दिखाएंगे। ज़्यादा उतना मेहनत नहीं पड़ता है अगर आप इस तरह से लगाते हैं फेविकोल को, उतना आपको दिक्कत नहीं होगा। हमारे मिस्त्री भाई लोग क्या है, कभी कोई भी उठा के लगा देते हैं, तो नहीं, आप फेविकोल बराबर लगाइए, एकदम परफेक्ट लगाइए, तो आपको रिजल्ट एकदम से फ्रेश टू फ्रेश बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। देखिए भाई प्लास्टिक ने निकाल दिया है। आपको लेमिनेट में अगर कोई भी कचरा हो, कोई भी कुछ हो, तो आप उसको साफ़ सफाई करके झाड़ू मार के एकदम बढ़िया से, फिर उसके बाद आप फेविकोल लगाइए। देखिए ये दरवाज़ा, देखिए भाइयों ये कैसे टैप मार रहे हैं, देखिए फटाफट ये अभी मारेंगे और ये हमारा दरवाज़ा हो गया है कंप्लीट एकदम। और ये बस टेप लगा के उसके बाद प्रेसिंग में हमको रख देना है। उसके बाद में भाइयों हमारा एकदम, चलिए दोस्तों अब हम अपना दरवाज़ा प्रेसिंग के लिए रखने जा रहे हैं। इसको 24 घंटे के लिए रखेंगे, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर दिखाएंगे।